कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात का चुनाव करो या मरो की स्थिति जैसा है और ऐसे में उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी जान से गुजरात की लड़ाई में जुटे हुए हैं। राहुल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे वार कर रहे हैं। जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स और विकास पागल हो गया है जैसे जुमलों से राहुल खूब सुर्खियां भी बटोर रहे हैं और इन सब के बीच अब बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी राहुल गांधी का पक्ष ले लिया है, साथ दे दिया है, कहा है कि राहुल अब पहले वाले राहुल नहीं रहे, अब उन्हें पप्पू नहीं कहा जा सकता। राहुल को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि वो गुजरात में कड़ी टक्कर दे सकते हैं। शिवसेना ने पप्पू शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि बीजेपी के नेता पप्पू कहकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहे हैं। गुजरात में भी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी तक राहुल का मजाक उड़ा रहे हैं। सियासत के मैदान में पप्पू और बाबा कहकर राहुल पर फिक्रे कसे जा रहे हैं, लेकिन अब शिवसेना ने राहुल की तारीफ कर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है क्योंकि सियासी गलियारों में यह बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई पप्पू राजनीति की परीक्षा में पास हो गया है, क्या राहुल गांधी को विरोधी अब गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में बताना तो पड़ेगा कि शिवसेना ने क्यों कहा राहुल अब पप्पू नहीं रहे, क्या राहुल गांधी ने बदल दी है अपनी इमेज और क्या गुजरात में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस। इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद होगा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। इन लोगों ने इतने झूठ बोले कि पहली बार विकास पागल हो गया। आप पूरे दुनिया का पैसा रख दो, गुजरात की जो आवाज है उसको आप दबा नहीं पाओगे, उसको आप खरीद नहीं पाओगे। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। 3 साल पहले वाले राहुल गांधी अब नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। लो भाई, राजनीति की परीक्षा में पप्पू पास हो गया है। पप्पू मतलब कांग्रेस के कर्णधार राहुल गांधी। जी हाँ, सब जानते हैं कि विरोधी राहुल को प्यार से पप्पू बुलाते हैं। बीजेपी के नेताओं को राहुल का ये राजनीति वाला निकनेम खास तौर पर पसंद है, लेकिन राजनीति की परीक्षा में पप्पू का डिस्टिंक्शन वाला रिजल्ट बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने अनाउंस किया है। शिवसेना की माने तो गुजरात के रण में राहुल गांधी बीजेपी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाले। 2014 में हम सब उसको पप्पू करके चिढ़ाते थे सोशल मीडिया पे, आज वो बात नहीं है। आज लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके डायलॉग करना चाहते हैं। ये बदलाव हुआ है। केवल शिवसेना को ही नहीं, बिहार में कांग्रेस के साथ दोस्ती निभा रहे लालू यादव को भी लगता है कि राहुल बाबा बड़े हो गए, अब उनकी पुरानी पप्पू वाली इमेज बदल चुकी है। कैपेबल है, 2200 पार्टी हम लोग मिलकर सब अपना विकल्प बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी फिनिश चेप है, अब दोबारा फिर काट का हाड़ी चढ़ने वाला नहीं है। हाँ तो ठीक बोल रहा है शिवसेना। सवाल ये है कि क्या वाकई राहुल गांधी गुजरात में मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कड़ी टक्कर देने का दम रखते हैं। वैसे देखा जाए तो गुजरात में गरजते हुए राहुल गांधी काफी मैच्योर नजर आ रहे हैं। राहुल एक सधे हुए सियासतदान की तरह हमला बोल रहे हैं, लेकिन विरोधियों को लगता है कि पप्पू तो पढ़ाया हुआ पाठ दोहरा रहे हैं। गुजरात में राहुल के नए तेवर को रणनीतिकारों की ट्रेनिंग का असर बताया जा रहा है। देश की जनता ने पप्पू का क्या बदलाव राहुल गांधी में आएगा, जिस बेचारा ने आज तक गरीबी नहीं देखा, जिसको गांव नहीं मालूम, जिसको अगर पूछ दिया जाए कि देश के किस भाग में कौन सा क्रॉप्स होता है वो नहीं मालूम। कलावती के घर में तो बेचारे जाके गरीबी देखा और उस कलावती को भी अपने शासन में उसकी गरीबी नहीं मिटा पाए, इसलिए परिवर्तन क्या आएगा? वो तो आए फिर चुनाव के बाद भागेंगे विदेश, हारेंगे जाएंगे विदेश, आनंद लेंगे। सच्चाई जो भी हो, लेकिन राहुल के इस नए रूप ने शिवसेना का मन मोह लिया है। सवाल ये है कि गुजरात में राहुल गांधी जिस तरह बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं, उसे देख वाकई शिवसेना उनके टैलेंट से प्रभावित हो गई है, या पप्पू को पास होने का सर्टिफिकेट देकर शिवसेना बीजेपी का बैंड बजाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना के इस तेवर से बीजेपी तिलमिला गई है। क्या वो खुद अपनी पार्टी छोड़कर वहां तलाश रहे हैं, कोई वहां उस पार्टी में जाने की कोई अवसर तलाश रहे हैं, या अपनी ही घटी पॉपुलैरिटी के लिए
हमें कोसने के लिए कहीं और इशारा कर रहे हैं। गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शिवसेना और बीजेपी का पुराना सास बहू वाला झगड़ा शुरू हो चुका है, लेकिन राहुल की तारीफ कर शिवसेना ने ऐसा दांव खेला है जिससे बीजेपी को पसीने आना लाजमी है। ये वही शिवसेना है जो 2014 के चुनाव में ये कहा करती थी कि 1000 राहुल गांधी मिलकर भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आज वही शिवसेना राहुल को गुजरात में मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बता रही है। सवाल ये कि क्या वाकई राहुल गांधी गुजरात में मोदी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ अनुराग भदौरिया मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और हमारे साथ डॉक्टर हरि देसाई मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं गुजरात से। हमारे साथ के सी त्यागी भी जुड़ेंगे और नीरजा चौधरी भी जुड़ेंगी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल ये कि आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, और अब शिवसेना को राहुल गांधी भा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बदल चुके हैं, उन्हें लोग गंभीरता से ले रहे हैं, वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती है गुजरात में, तो राहुल गांधी बदल गए हैं? राहुल गांधी बदले हैं कि नहीं बदले हैं, शिवसेना का में निश्चित तौर पर बदलाव हुआ है। शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाळासाहेब ठाकरे, उनकी जो आखिरी सभा 2012 की विजयादशमी की रैली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इस देश को पंचक से मुक्ति दिलानी है। पंचक कौन था? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री रॉबर्ट वड्रा, सुश्री प्रियंका वड्रा, अहमद पटेल, राहुल गांधी। अब उनमें राहुल गांधी में शिवसेना को बहुत एक कलेवर वाला नेता दिखाई दे रहा है। और शिवसेना का 2014 के अक्टूबर में, आपको ध्यान होगा सितंबर 2014 में विधानसभा चुनावों के पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 117 विधानसभा सीटें देने के लिए तैयार थी। उनका मूल्यांकन किस तरह से गलत था, 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते 123 सीट जीतने में कामयाब हुई। ठीक। उनका मूल्यांकन मुंबई महानगरपालिका के चुनाव को लेकर था। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 60 सीटें देना चाहती थी, अकेले लड़कर भारतीय जनता पार्टी 83 सीटें ले आई। तो शिवसेना का मूल्यांकन परिवर्तित हुआ है। शिवसेना के लोग, मुझे ध्यान है, आदरणीय संजय राउत जी मेरे बड़े करीबी मित्र हैं, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि दैनिक सांवला की संपादकी में उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की धज्जियां उड़ जाएंगी, और संपादकी में यहां तक लिखा गया था कि मोदी जी जो है उसके बाद मोदी विरोध भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम आया। ठीक है, तो आपकी मुताबिक उनका जो है राहुल गांधी को बारे में भी है, आप जो कह रहे हैं, विश्वास है कि उसी तरह से उनका जो मूल्यांकन है फिर गलत साबित होगा। जी, जो संजय राउत कह रहे हैं और जो शिवसेना कह रही है राहुल गांधी के बारे में, आपके मुताबिक उनका मूल्यांकन, जो तमाम आपने उदाहरण दिए, गलत हुआ है और इस मामले में भी गलत होगा। अखिलेश प्रताप जी, जी आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को, वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल हृदय परिवर्तन हुआ है शिवसेना का, इस वजह से इस तरह के बयान दे रही है, लेकिन मूल्यांकन गलत ही साबित होगा राहुल गांधी को लेकर। देखिए, हर फिसड्डे व्यक्ति एक जीनियस व्यक्ति के पहले शुरू में यही अवधारणा बनाता है, उसका उपहास करता है और उसे अपने कंटेस्ट के बराबर नहीं मानता है। लेकिन कुछ ही समय में ये जो समय है वो एस्टेब्लिश कर देता है, ये स्थापित कर देता है, ये प्रकृति का भी नियम है कि उसकी उसमें कितनी क्षमता है। वो एक जैसे जूते हुए खेत में हर वृक्ष हर पौधा एक ही साथ उगता है, लेकिन एक हद के बाद जब वो एक मजबूत बड़ा वृक्ष आगे बढ़ता है तो पहले वो छोटे वाले उसको पकड़ के दबाने का प्रयास करते हैं, छोटे पत्ते वाले वृक्ष जो होते हैं जी, और जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो वही पत्ते जो है जो पहले दबाने का प्रयास करते थे उसी के आश्रय जीने लगते हैं, प्रकृति का नियम है जी। तो राहुल गांधी वही है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारी जो अवधारणा थी वो गलत थी जी। ये वो वृक्ष है कि जो काफी ऊंचे जाएगा और इसी के सहारे देश का भला होना है, देश के लोगों को एक उम्मीद है। अखिलेश, तो प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता है, भरमाया नहीं जा सकता, उपहास प्रतिभा को बहुत दिनों तक बहकाया नहीं जा सकता है, वो दिखेगी और वो सामने आ जाएगी आपके मुताबिक। लेकिन अखिलेश जी, बहुत समय नहीं ले लिया राहुल गांधी ने, अभी तक तो आपको उस तरह का फायदा होता नहीं दिखाई दिया, उनको आप
अध्यक्ष तक अभी तक बनाने में पार्टी तय नहीं कर पाई है कि वो कब करना है, क्योंकि हर बार एक नई तारीख के बारे में खबरें उड़ती हैं और फिर वो तारीख ये होता है कि अब शायद चुनाव हार जाएंगे, चुनाव में नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए अभी उनको हम अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। तो आपकी पार्टी इस वृक्ष के बड़ा होने का कितना इंतजार करेगी, कब तक मेजॉरिटी आ जाएगी, उसका इंतजार कब तक करने वाले हैं? सुमैरा जी जी जवाब देना, सुमैरा पिछले 20-22 वर्ष 25 वर्षों में 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही है और तीनों बार सरकार में सोनिया जी राहुल जी की मेहनत से सरकार बनी। बार बार कहा भी गया कि राहुल जी मंत्री भी बन ले, प्रधानमंत्री भी बन ले, वो शौक नहीं है। यहाँ ये नहीं कि जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद ही मुझे विश्राम करना है और उन्हें अवसर आते ही उन्हें जो है कहाँ पहुंचा दिया, वो उसकी हड़बड़ी नहीं है। ये लोग चाहते तो 15 साल प्रधानमंत्री तो रह लेते, अध्यक्ष क्या चीज है, प्रधानमंत्री रह लेते, लेकिन नहीं किया क्योंकि उन्हें इस देश की व्यवस्था, इस देश के लोगों से, इस देश की चीजों को ज्यादा करीब रहना है। सत्ता जा महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है और होगा, आज नहीं कल होगा, होगा। हम लोग तो बहुत दिनों से चाहते हैं, जैसे आप कह रही हैं, हम लोग भी चाहते थे कि वो अध्यक्ष स्वीकारे, उसका तो सभी इंतजार कर रहे हैं सालों से, मंत्री पद स्वीकारे, हर बार एक नई तारीख मिल जाती है। अभी भी कुछ चर्चा में थी, तो बात है कि जो जिन चीज छोटी छोटी पदों के लिए राजनीति में लोग क्या से क्या, लेकिन अखिलेश जी अभी भी तारीखें चर्चा में थी अध्यक्ष बनाने को लेकर। जो अग्रेसिव कैंपेन है गुजरात में, उसमें जो रुख दिखाई दे रहा है राहुल गांधी का, उसके बाद अगर आप हार जाते हैं तो भी क्या अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि परिपक्व दिखाई दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो फलदार वृक्ष बन चुका। सुनिए सुनिए जवाब लीजिए, हमारा पार्टी के संगठन का चुनाव प्रक्रिया चल रही है, लास्ट स्टेज पे है। अब इसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव की डेट्स जो है वो चुनाव, हमारा जो पार्टी का चुनाव आयोग है वो डिक्लेयर करेगा और उसकी तिथि तय करती है वर्किंग कमेटी, वो कभी तय हो जाएगी, चीजें होंगी। ठीक है, आप देखिए किसी भी चुनाव में, 2004 के चुनाव में भी वो जमीन, ठीक है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि समय आने पर अध्यक्ष भी बन जाएंगे और उन्होंने प्रकृति का नियम समझाया हमें कि किस तरह से लोग पहले उपहास उड़ाते हैं अगर कोई जीनियस होता है उसका, और लेकिन बाद में वो ये मानने के लिए राजी हो जाते हैं कि प्रतिभा है इस व्यक्ति में। ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ है, पहले उपहास उड़ाया गया लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि उनके अंदर प्रतिभा है। आपको भी केसी त्यागी जी वो प्रतिभा दिखाई दे रही है जो शिवसेना को फिलहाल दिखाई दे रही है? नहीं, शिवसेना के जो हमारे मित्र हैं उन्हें राहुल गांधी जी के, केसी त्यागी जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनके पास जाएंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपको ये प्रतिभा दिखाई दे रही है राहुल गांधी में और लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे गुजरात में बीजेपी को? देखिए, ये हमारे देश में कल्चर खत्म होना चाहिए एक दूसरे की बुराई करने का। ये भारतीय जनता पार्टी 2013 से 12 से जब से ये एक्टिव हुई है, खासकर 14 से, अपना काम तो करते नहीं है। किसी को साहबजादे बोलेंगे, किसी को पप्पू बोलेंगे, किसी को गप्पू बोलेंगे, किसी को कुछ भी बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि राजनीति में साफ सुथरे बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, किसी के बारे में अपशब्द यूज नहीं करना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी जो परंपरा, जो कल्चर इस देश में डाली है, राजनीतिक कल्चर जो राजनीति में जो एक कल्चर डाला है, ये इतना गलत है, इसकी तो जितनी भी निंदा हो करनी चाहिए। इसके पहले कभी नहीं था, जब भारतीय जनता पार्टी जब पार्टी में नहीं थी इतने सालों तक कभी कल्चर नहीं आया। पहले भारतीय जनता पार्टी का, पुरानी भारतीय जनता पार्टी को आप देख लो, जब से ये गुजरात के लोगों का कब्जा नहीं था तब तक ऐसी भाषाओं का यूज नहीं हुआ कभी भी। आप देखिए कैसी भाषाओं का यूज होता है, आप अगर नेट पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाए तो कैसी भाषाओं का ये लोग। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, कोई नहीं करता, तो हर पार्टी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अगर बीजेपी को आप आरोप लगा रहे हैं ये उसने गलत किया तो बाकी लोग भी उसी रंग में रंग गए। अरे तो किसने शुरुआत की है सुमेरा जी, हम लोग तो एकदम ही नहीं करते जी, कोई भी नहीं करता। नहीं, लेकिन अगर शुरुआत होती है तो भारतीय जनता पार्टी से होती है। जिस तरह की, इस तरह की जो भाषा शैली यूज की जाती है, किसी के लिए भी कुछ भी बोल दोगे आप, इतना 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 स्वतंत्र आप कैसे हो गए? किसी को भी गाली दे दोगे, किसी को भी पप्पू, किसी को साहबजादे, किसी को नवाबजादे, किसी को आप लंदन जाने की छुट्टी भेज दो, किसी को आप अमेरिका भेज दो, किसी को आप पता नहीं क्या करते हो। ये बात नहीं, एक और सुमेरा जी, भारतीय जनता पार्टी में जब से दूसरी पार्टियों के लोग आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा होने का जिक्र करते हैं, आप जिनके शुक्ला जी की बात करें, शिवसेना से आए,
अचानक इनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब कैसा हृदय परिवर्तन होगा सुमेरा जी, आप भी जानती हैं सत्ता के साथ। हमारी पार्टी से भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी गाली गलौज करते। अचानक जो नए नए कहते ना नए नए गए हैं, इनको नए नए ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा करीबी हूं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी देखती होगी, जब दूसरों को छोड़ के तुम आयो तो यहां भी बहुत दिन तक नहीं रहोगे, सत्ता बदलेगी, फिर ठीक है ठीक है ठीक है। आप अपनी बात रखिए, प्रेम शुक्ला जी बंद होना चाहिए। बहुत आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का चलन बीजेपी ने शुरू किया है, जिस तरह की भाषा का राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या बाकी अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि चुनाव के रण में, चुनाव के मैदान में मुद्दों पर हराने की बात क्या नहीं होनी चाहिए इन इस तरह के जुमलों की बजाय। देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि अनुराग भदौरिया जी बहुत शांतिपूर्वक मेरी बात को सुनेंगे। जी हम भी यही उम्मीद करते हैं। मौत का सौदागर शब्द का प्रयोग श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था। श्रीमती सोनिया गांधी किसी अन्य पार्टी को छोड़कर नहीं आई थी, कांग्रेस की अध्यक्षा रही हूं। मौत का सौदागर कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। तड़ी पार शब्द का प्रयोग कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने शुरू किया, और उसमें जो है मणिशंकर अय्यर, चाय वाला शब्द का प्रयोग मणिशंकर अय्यर ने शुरू किया, वो भी कांग्रेस में ही रहे। श्री अखिलेश सिंह यादव जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव के समय उत्तर प्रदेश गुजरात का गधा शब्द का प्रयोग किया। मुझे लगता है गधा कोई बहुत ज्यादा प्रशंसनीय शब्द तो नहीं है, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का प्रचलन कांग्रेस और सपा के लोगों द्वारा भदौरिया जी सुन लीजिए, आपकी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में उन्होंने कहा कुछ, तो ऐसा जरूरी नहीं है आप फौरन प्रतिक्रिया दें। सुन लीजिए फिर आप प्रतिक्रिया दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, फौरन मैं आपको मौका दूंगी सर, आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, जवाब देने का, भरपूर जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले फिलहाल सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी बात पूरी करिए। सुन ली हाँ। दूसरा उन्होंने कहा कि जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं तो कृपया अपनी जानकारी श्री अनुराग भदौरिया जी सुधार लें। मैं दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक रहा, मैं कभी शिवसेना का साधारण सदस्य भी नहीं रहा, मेरी पहली पार्टी मेरे जीवन की भारतीय जनता पार्टी है, तो कृपया आप अपनी जानकारी सुधार लें। आप जो है जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी, सपा, आपके जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं उनकी जीवन यात्रा बहुत सारी पार्टियों से हुई है, हमारी पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आखिरी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। किसी समाचार पत्र का संपादक होना, उस पार्टी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं। आप इस चीज को चाहें तो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से इस पर आप ठीक है चलिए व्यक्तिगत सवाल था उसका जवाब आपने दे दिया, पुष्टिकरण कर सकते हैं, लेकिन आपके मुताबिक बाकी पार्टी व्यक्तिगत सवाल किया था मुझे। हाँ ठीक है, आपने दे दिया जवाब, मैंने आपको मौका दिया इसलिए जवाब देने का, ठीक है इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। लेकिन आपका ये कह रहा है कि बाकी पार्टियों के नेता भी इसी तरह की बात करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, यही सवाल तो मैंने भी आपसे पूछा था कि कोई एक पार्टी नहीं है, बीजेपी ने हो सकता है शुरुआत की, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये कोई आज से चलन नहीं है, तमाम और पार्टियां इसमें शामिल हैं, और अगर हम सोशल मीडिया को देखें वहां पर जितनी गाली गलौच होती है और हर पार्टी के लोग उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उससे 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं, तो कोई भी पार्टी इसमें पाक साफ नहीं है। सुमेरा जी आपको आपकी आत्मा तो जरूर इस बात को मान रही होगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ये कल्चर पैदा हुआ है गाली गलौज का, एक दूसरे को इतने ट्विटर पे लेके, फेसबुक से लेके और इनके राष्ट्रीय नेता से लेके जिस तरह का कल्चर उन्होंने पैदा किया है कि गाली गलौज का, ये भारतीय संस्कृति में भी नहीं था और भारतीय राजनीति में भी नहीं था। हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, हम राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में गधों की बात जो शुरू हुई थी वो तो उसके बारे में तो जवाब दे दीजिए। लेकिन किसने किया था उसके पहले, तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी इतना माहौल खराब कर चुकी थी। आप किसी को इतनी गालियां दे दोगे कि आप पलट के कुछ बोले भी नहीं आपको, आप इतना उसके ऊपर चिल्ला दोगे, इतनी गालियां पूरे कम्युनिटी को दे दोगे। नहीं सर, फिर राजनीति संस्कृति और भारतीय संस्कृति तो ये कहती है ना कि हम महात्मा गांधी की तरह पेश आए लोगों के साथ, आदर्श स्थिति तो फिर वही है। नहीं यकीन है तो आप बताइएगा, मैं आपको ट्विटर भेज दूंगा अपना, आप देख लीजिएगा क्या किस तरह की गालियां लिखते हैं। ठीक है चलिए ठीक, आपके मुताबिक क्योंकि शुरुआत की गई जवाब में उसी तरह का रवैया अख्तियार किया गया, लेकिन हम वापस मुद्दे पर आ जाते हैं सर चलिए ठीक है, किस पार्टी ने शुरू किया इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। केसी त्यागी जी चलिए ठीक है, आपने जवाब दिया, जवाब देना जरूरी है आपके मुताबिक और उसी भाषा में जवाब देना जरूरी है, लेकिन मर्यादा और सभ्यता तो ये भी कहती है संस्कृति की हमें उस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए जिस भाषा में सामने वाला बात कर रहा है। केसी त्यागी जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो शिवसेना का हृदय परिवर्तन हुआ है, जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया और उनका आकलन गलत साबित होगा, राहुल गांधी बदले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं गुजरात में, जो उनका अंदाज है आक्रामक अंदाज, आपको लग रहा है कि उन्होंने अपनी इमेज बदली है? नहीं
देखिए दो प्रश्न है कि शिवसेना का हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्या राहुल गांधी जी एक नए नेता के रूप में एमर्ज हुए हैं। तो मैं नहीं मानता हूं, अपने मित्र प्रेम शुक्ला जी से मैं डिफर करता हूं, वैचारिक तौर पर वैचारिक धरातल पर जहां शिवसेना थी वहीं पर आज भी है, और कांग्रेस पार्टी से सभी सवालों पर उनके वैचारिक मतभेद हैं। पिछले काफी समय से शिवसेना में और भारतीय जनता पार्टी में तालमेल नहीं है। शिवसेना एनडीए की सबसे विश्वसनीय और सबसे पुराना घटक मित्र दल है, किन्हीं कारणों को लेकर के उनके बीच में मतभेद हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर ना राहुल गांधी जी के करीब हैं ना कभी होंगे। वैचारिक तौर पर वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के ही ज्यादा करीब हैं, नंबर एक। नंबर दो, राहुल गांधी जी देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनको पप्पू कहकर के, ऑब्सोलीट कहकर कैसे थे आगे जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बात सुनेंगे। बाकी नेताओं से भी हमारा सवाल होगा, बात होगी कि क्या टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी अगर बदले हैं, और ये जो बदली हुई स्थिति दिखाई दे रही है जो शिवसेना कह रही है, उस स्थिति में क्या गुजरात में टक्कर भी दे पाएंगे। रुक रहे कुछ देख ले, वापस आएंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। तड़ी पार शब्द का प्रयोग कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने शुरू किया, और उसमें जो है मणिशंकर अय्यर, चाय वाला शब्द का प्रयोग मणिशंकर अय्यर ने शुरू किया, वो भी कांग्रेस में ही रहे। श्री अखिलेश सिंह यादव जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव के समय उत्तर प्रदेश गुजरात का गधा शब्द का प्रयोग किया। मुझे लगता है गधा कोई बहुत ज्यादा प्रशंसनीय शब्द तो नहीं है, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का प्रचलन कांग्रेस सपा के लोगों द्वारा शुरू हुआ था। आपकी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में उन्होंने कहा, कुछ तो ऐसा जरूरी नहीं आप फौरन प्रतिक्रिया दें, सुन लीजिए फिर आप प्रतिक्रिया दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा फौरन, मैं आपको मौका दूंगी सर, आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, जवाब देने का, भरपूर जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले फिलहाल सुन लीजिए। हम लगातार बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर शिवसेना ने बयान दिया है, कहा है कि राहुल गांधी को अब गंभीरता से लेने की जरूरत है, वो अब पप्पू नहीं रहे, उन्हें इस तरह के शब्दों से नहीं बुलाया जाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। केसी त्यागी जी जेडीयू से हमारे साथ मौजूद है। केसी त्यागी जी, आप अपनी बात पूरी करें, राहुल गांधी ने क्या बदल ली है अपनी इमेज, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हेलो, देखिए राहुल, मैंने पहले भी कहा आपसे, राहुल गांधी जी देश की मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए उनको गैर गंभीर तरीके से लिए जाने की मैं आवश्यकता नहीं मानता हूं। उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं, उनका टेक ऑफ उतना तरीके से नहीं हुआ हो सकता है जैसा और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को वो पार कर गए मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कई एग्जाम दिए हैं अपनी लोकप्रियता के, गुजरात के अंदर भी और गुजरात से बाहर के अंदर भी, ठीक है, इसलिए अभी वो चुनावी रणनीति में, और स्वयं राहुल गांधी जी ने स्वयं माना है कि नरेंद्र मोदी मुझसे अच्छे वक्ता है, उन जो परिपक्वता है उसमें उनका भी कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के लिए वो कोहनूर हैं। जी हाँ, अपनी और पार्टी वो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। ठीक है, अखिलेश प्रताप जी, आपकी पार्टी के लिए वो सारी सी बातें सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन क्या टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि असल मुद्दा तो गुजरात में टक्कर देने का है ना, अगर इमेज बदली भी है और उनमें बदलाव आपको दिखाई दे रहा है और सबको दिखाई दे रहा है, तो वो टक्कर क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी को दे पाएंगे? सुमेरा सुमेरा कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, गए जमाने, बहुत दिनों तक झांसे में राजनीति नहीं हो सकती। आप गांव की एक कहावत है कि बच्चे को भूख लगी है ठोक ठोक के कब तक सुलाओगे, उसे भोजन चाहिए, तो माननीय मोदी जी सब्ज बाग कब तक दिखाओगे, उसे परिणाम चाहिए, वो परिणाम जीरो है, चाहे गुजरात हो चाहे देश हो, ये हर कोई रियलाइज कर रहा है। फिर कुछ लोग भ्रम बनाने में लगे हैं कि मोदी जी बड़े बेहतर हैं, बहुत हैं, करिश्माई हैं, फलाने हैं, वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब आप यथार्थ धरातल पे आ गए तो आप जो है वही चलेगा, एक टेस्टिंग पीरियड के बाद, उसके पहले चलता है अंदाजा कि आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, दोनों में कोई सही हो सकता है, लेकिन जब आप चलने लगे। लेकिन अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी तो तीन बार गुजरात में चुनाव जीत चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए इतनी बड़ी चुनौती का उन्होंने सामना किया, प्रधानमंत्री बने, तो वो तो टेस्ट पास किए उन्होंने, उसको कैसे नकार सकते हैं आप? टेस्ट पास किया है,
लेकिन जिस टेस्ट के बल पे पूरे देश में इतने राज्य और केंद्र में आए उसकी विश्वसनीयता अब आप पे, आज वो उनकी क्रेडेंशियल जीरो है नरेंद्र मोदी जी की। हाँ। उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता है बीजेपी वालों के अलावा, हर कोई गतयारी सिर्फ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, जो बोलते हैं होता ही नहीं है, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। हाँ। तो लच्छेदार भाषा से पेट नहीं भरता। प्रधानमंत्री का काम है परिणाम देना, बोलना नहीं। अखिलेश जी लेकिन चुनाव भी तो जितवाया है ना, उत्तर प्रदेश में भी तो चुनाव जीता उन्होंने, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता मोदी के नेतृत्व में भी जीता। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी कि आप जो है चुनाव, सुनिए एक सेकंड हमारा जवाब ले लीजिए। ठीक है, चुनाव जीत गए आपने, कुछ सब जवाब दिखाए थे, भोली भाली हिंदुस्तान की जनता बहुत विश्वास करती है, वो भावुक होती है, अगले पे एक बार मौका देती है उस पर यकीन नहीं। लेकिन अखिलेश जी मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, मैच्योरिटी में, परिपक्वता में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अभी बहुत पीछे हैं क्या, जो केसी त्यागी जी कह रहे हैं? ये देखिए, ये जब आदमी मुंह खोलता है ना तो सब पता लग जाता है कि कौन यकीन करने वाला है, कौन किसके पास नॉलेज है, किसके पास कचरा है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। और केसी त्यागी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और शुक्ला जी भी जानते हैं, प्रेम शुक्ला जी, ये बात अलग है कि कौन कितना कह रहा है, आप भी जानती हैं, आप भी जानती हैं। अच्छा, तो वो जो एक मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल मुंह खोलने के बाद, मुंह खोलने तक ज्ञानी अज्ञानी की बहस होती है, लेकिन जैसे आप बोलना शुरू कर देंगे सार्वजनिक जीवन में, आपका कम कर्म मनसा अखिलेश जी, अखिलेश जी यहाँ पर जिन लोगों की बात हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वो तो इतने साल से राजनीति में हैं और सब मुंह ही खोल रहे हैं, सब लगातार लोगों से को संबोधित ही कर रहे हैं, लोग तो पहचान ही रहे होंगे ना, उसी आधार पर तो लोग अपना अपना पक्ष रख रहे होंगे, वोट कर रहे होंगे, सत्ता के लिए चुन रहे होंगे। एकदम देखिए जी, प्रेम शुक्ला जी को लेकिन आपने कहा कि वो भी जानते हैं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये सब अब कुछ नहीं चलने वाला, गुजरात में कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी का एक आप टेप सुना रही थी, प्रेम शुक्ला जी का, वो सामने अभी सुना बुलेटिन शुरू होने के ब्रेक के बाद, तड़ी पर शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। हाँ जी। वो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया था, किसी ने कहा नहीं था, वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, शुक्ला जी सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दिया था, आप संभवतः जानते होंगे, जर्नलिस्ट स्वयं वो रिपोर्टिंग किए होंगे आप। कौन सा आदेश, कौन सा आदेश, किस तड़ी पार करने का, क्या कह रहे हैं आप? एक प्रदेश से बाहर के आदेश पे क्या हो गया? तड़ी पार शब्द का प्रयोग आपने किया था, जिनके लिए तड़ी पार नहीं करा, तड़ी पार किया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक्सटर्नमेंट एक्ट पढ़ लीजिए, एक्सटर्नमेंट एक्ट पढ़ लीजिए, तड़ी पार नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पे असत्य ना बोले, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या की बात है, झूठ, आपने एक शब्द का प्रयोग किया। चलिए अब अखिलेश जी सुन लीजिए, ठीक, मैंने बहुत धैर्य से आपको सुना। ठीक है, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सुन लीजिए, मैं चाहता हूँ जी विनम्रता का पालन। लेकिन अखिलेश जी के सवाल का क्या जवाब है कि अब गुजरात में लोग विकास के मुद्दे पर वोट करने वाले हैं और जो बातें हैं, जुमले, उनसे काम नहीं चलेगा? नहीं, सही कह रहे हैं वो, 1995 के पहले प्रेम शुक्ला जी तक हमारी आवाज शायद इस समय नहीं जा रही, वो वापस हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हरिभाई देसाई जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं गुजरात से। हरिभाई, हम लगातार बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, और राहुल गांधी को लेकर शिवसेना ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ में ये पूरी बात हो रही है, लेकिन असल संदर्भ है गुजरात का चुनाव। गुजरात के चुनाव में एक आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, क्या गुजरात में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी, ये है असल सवाल। सुमेरा जी, मैं ये बहस सुन रहा था और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के तेवर बदले बदले से तो निश्चित, मगर यदि तुलना की जाती है नरेंद्र मोदी जी से तो वो जरा सा असंभव है। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी निश्चित रूप से दबाव में है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कांग्रेस औरों के समर्थन से, यानी हमारी युवा त्रिपुटी जो है, आंदोलनकारी जो त्रिपुटी है, जी, जी। उनके बलबूते पर यदि वो जीतना चाहते हैं तो वो शायद स्वप्न में राज रहे हैं, ऐसा मैं मुझे तो कहना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे, तीन चुनाव लड़े, तभी लगातार उनकी सदस्य संख्या विधानसभा में भी कम होती गई थी।
मई 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो गुजरात उनको प्रधानमंत्री के नाते भेज रहा था, इसलिए 26 से 26 सीटें मिली। मगर मुझे लग रहा है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दबावपूर्ण स्थिति निर्माण करता है, मगर अंतिम परिणाम आप जब देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ठीक है आपके मुताबिक तो बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, क्योंकि 22 साल सत्ता में रहे हैं लगातार, लेकिन जिस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी की आपके मुताबिक उसमें भी बहुत दम आपको फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, जो तीन नेताओं के सहारे वो अपने रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें भी आपको लगता है कि बहुत दम नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है आपसे, मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी के लिए तो एक बड़ी चुनौती है ये चुनाव। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी जी, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है ये चुनाव और उसमें राहुल गांधी क्या टक्कर दे पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी चुनौती मानती है। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, दो युवकों की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देगी की बातें चली। कोई भी कोई पोल सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत भी नहीं दे रहा था, 3/4 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई। एक मुद्दा आदरणीय अखिलेश सिंह जी ने उठाया था। अखिलेश सिंह जी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी असत्य के बूते चुनाव जीतती है। विकास की यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल प्रेम शुक्ला जी से हमारा संपर्क टूट गया। जी सुमेरा जी, अखिलेश जी, केंद्र सरकार के ये हाल है केंद्र सरकार के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का कॉल ड्रॉप मिनिस्ट्री जानी जाती है। अखिलेश जी, आपके हर बहस में जब आदमी झूठ बोलता है सुमेरा जी तो उसका फोन कट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दीजिए, झूठ ना बोला करें, नहीं फोन कट जाएगा। अखिलेश जी दोबारा, अखिलेश जी लेकिन सारा ठीक रहा, आप बीजेपी के सर नहीं फोड़ सकते। टू जी को तो लोग अभी नहीं भूले हैं, अभी 2G को लोग नहीं भूले हैं। सुमेरा जी, वो वहां से भी बहुत कुछ शुरुआत आने लगा। ये सब फेक था। देखिए 22 वर्षों जब आ जाएगा नतीजा, लेकिन सर वापस मुद्दे पर आते हैं। यूपी में दो युवा थे जो चुनौती दे रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। अब गुजरात में राहुल गांधी के भले ही बदले हुए तेवर हैं और तीन युवाओं का साथ उन्हें वहां पर मिल गया है, लेकिन कौन किसका सहारा बनने वाला है? कि अब बीजेपी को फिर भी आप टक्कर दे पाएंगे? ये रणनीति आपकी काम करेगी? मैं दे रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ सुमेरा। 60-65 वर्षों बाद बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि कोई जीतता चला गया तो दूसरे का नंबर ही नहीं आना है, या कोई ये बैलेंस शीट थोड़ा नहीं, तो राजनीति है। क्या आप इसी भरोसे बैठे हैं? 22 सालों से बीजेपी गुजरात में है, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी गुजरात की बात कर रहा हूँ, गुजरात में 22 वर्षों से बीजेपी है, उन्हीं की हुकूमत है, दिल्ली में भी उन्हीं की है, वहीं के प्रधानमंत्री जी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सब कुछ वहीं है। लेकिन गुजरात का हर वर्ग, चाहे वो जो वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कारोबारी हो, सड़क पे है, गुस्से में है, और हर वर्ग को कुचला जा रहा है। आतंकवादी बता करके बंद कर दिया जाता है पाटीदार नेताओं को, क्योंकि वो घर प्रदर्शन कर देते हैं। रोड रोलर लेके कुचला जा रहा है। अगर इतना अच्छा वहां पे 22 वर्षों से कर रहे हैं तो हर कोई इतना उद्वेलित क्यों है? नहीं तो फिर तो आपके लिए अखिलेश जी, फिर तो आपके लिए आसान है ना सब कुछ? और यही प्रश्न है, मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है प्रेम शुक्ला जी। अखिलेश जी फिर तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर सब कुछ इतना खराब है गुजरात में, मुझे लगता है जी, तो आप सब कुछ जीत जाएंगे वहाँ पर, सारा चुनाव जीत जाएंगे। राहुल गांधी को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, मेहनत करना तो झूठ पुराण पढ़ने वालों से मेरा सवाल है। 1970 के दशक में गरीबी हटाओ की बात की थी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और 2014 तक गरीबी हटी नहीं थी। लेकिन गुजरात में जब हमको आप सत्ता देकर गए 1995 में, तो 28% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, जिसको इकाई मिला दिया। गुजरात में हमने इतनी बिजली पैदा की कि 12 अन्य स्टेट को आज हम बिजली दे रहे हैं। आज की स्थिति है, आपने बोला था एक महीने के अंदर इस देश में गरीबी हट गई, 4 साल होने को आ गए, कहां गरीबी हट गई? 15 लाख 16 हजार दे होते भाई। आपने तो बोला था कि हम एक महीने के अंदर देश के अंदर गरीबी हटा देंगे, यहाँ अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी, सबको रोजगार और रोटी मिल जाएगी, घर घर में रोजगार होगा, पूरा हर गांव बिजली वैश्विक अर्थव्यवस्था खराब है तभी तो। अनुराग जी, चलिए 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के तहत हमने लोन दे दिया। अभी तो अनुराग जी, अभी तो फिर लोगों के सामने जाने वाले हैं ना, गुजरात में लोग देंगे अब
अपना फैसला तो पता लगेगा कि वो किस तरह से सरकार की नीतियों को देख रहे हैं। हमारे साथ इस बीच नीरजा चौधरी भी जुड़ गई है, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या राहुल गांधी ने अपनी इमेज को बदला है, क्या परसेप्शन बदला है राहुल गांधी को लेकर? देखिए, राहुल गांधी ने कुछ चीजें स्मार्टली कही हैं, स्ट्रैटेजी भी स्मार्टन अप हो गई है। सोशल मीडिया में, कांग्रेस में आज वो कर पा रही है जो कल नहीं कर पा रही थी। बहुत स्लो थी कांग्रेस इस चीज में, मतलब जागने में कि सोशल मीडिया क्या के द्वारा क्या हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सवाल जो राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बदले हैं नहीं बदले हैं, लेकिन एक मूड क्या बदल रहा है, क्या मौसम बदल रहा है, अब जी सवाल उठ रहे हैं, ये मेन सवाल है। और क्या लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए अब ज्यादा तैयार हैं बनिस्पत 6-6 महीना पहले, साल भर पहले? तो ये एक चीज है। कितना वो अपने आप बदले हैं, देखिए एक दो जुमले कह के इतना बदलाव नहीं दिखता है। जी क्या उनकी समझ में, उनकी स्ट्रैटेजी में, उनकी सस्टेन्ड वे में आगे आना, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन मुझे लगता है ये इशारा करता है कि शायद लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं जो कल नहीं थे, और शायद मूड भी ग्राउंड लेवल पे हो सकता है बदल रहा है। नीरजा जी, क्या इसकी वजह से राहुल गांधी में कोई बदलाव है, उनकी स्ट्रैटेजी में बदलाव है, उनको उनका और परिपक्व होना है, या गुजरात में, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, क्योंकि 22 साल से वो वहां पर राज कर रहे हैं और वहां इस तरह के हालात हैं, क्या वो ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी में कुछ इम्प्रूवमेंट है, खासकर सोशल मीडिया को लेके। ठीक, लेकिन ज्यादा मैं मानती हूँ कि गुजरात में जो सवाल उठ रहे हैं, नाराजगी भी है, ट्रेडर्स में है, दलितों में है, वो उसका ज्यादा कारण है। जैसे कि मैंने कहा, कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि पहले हम बोलते थे तो ऐसा लगता था कि दीवारों से टक्कर मार रहे हैं, आज हमारी बात सुनने के लिए लोग तैयार हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला, कितना सच है, गुजरात इलेक्शन में नतीजे आएंगे तो सामने आएगा। प्रेम शुक्ला जी, आपसे आखिर में एक संक्षेप में प्रतिक्रिया, और फिर अखिलेश जी आपसे। प्रेम शुक्ला जी, क्या इस चुनौती को सामने स्वीकार कर रहे हैं, या अभी भी आप नकार रहे हैं कि राहुल गांधी की कोई अहमियत नहीं है, राहुल गांधी को आप उन्हीं शब्दों से अभी भी नवाजेंगे जिनसे आप हमेशा से नवाजते रहे हैं बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने विरोधी को पूरी तरह से गंभीरता से लेती है, लेकिन लोगों को कुछ आदत है, आदरणीय मोदी जी के बारे में बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस में किया, अपशब्द हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी 2010 में बिहार जिता दे रहे थे, 2012 में उत्तर प्रदेश जिता रहे थे, 2014 में देश जिता रहे थे, 2015 में उन्होंने बहुत सारे चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी, 2017 में उत्तर प्रदेश जीत रहे थे, 2017 में उसी तरह से गुजरात भी जीता देंगे। निश्चित तौर पर हम विरोधी को पूरी गंभीरता से लेते हैं। अखिलेश जी, काश जो है राहुल गांधी का नेतृत्व और सुधरे। हमको राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में तो प्रेम शुक्ला जी ने गिनवा दिए वो तमाम चुनाव जिनकी जिम्मेदारी उनके सर पर थी, लेकिन वहां कुछ हो नहीं पाया, उनका करिश्मा चला नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है, करिश्मा बहुत पहले खूब भी चला था, वो चुनाव जी हाँ चुनाव में हार जीत लगी रहती है। कांग्रेस ने ऐसे बहुत से सावन देखे हैं, भादो देखे हैं, जिसमें पराजय हुई, सब कुछ हुआ है। मैं आपको कुछ चीजें याद दिला रहा हूँ, जब मोदी जी आए राजनीति में। सर समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में जाऊंगा प्रतिक्रिया परसों तक जी। तो मैं देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी फेक फर्जी फोटोशॉप की राजनीति से किस तरह से लोगों के प्रति दुर्भावनाएं फैलाते हैं, और किस तरह से जो लोग गालियां देते हैं उन ट्रोलों को फॉलो करते हैं, ये क्या संदेश देते हैं? अपने टेस्ट का परिचय देते हैं, क्या हो सकती है? टेस्ट ओपन हो चुका है, आपका सौदागर जैसे सारा कुछ खुलासा हो चुका है। बहुत दिनों का जो बयानबाजी है आपकी वो चलती रहेगी। अभी तो गुजरात के चुनाव की जो चरम सीमा है वो पहुंची नहीं है, गुजरात का माहौल गर्म है, ऐसे में बयानबाजी भी जारी है, जुमले भी एक दूसरे के खिलाफ कहे जा रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी बिसात को बिछाने में जुटी हुई हैं। उसी के तहत शिवसेना का यह बयान भी सामने आया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।